हम सही दिशा में जा रहे थे। हाँ, और गुरुजी इस मणि के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके हमें कुछ ही दिनों के अंदर बता देंगे। मगर तुम लोग एक बात अच्छे से याद रखना, हम लोग क्या कर रहे हैं घर में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसी बात है जुमरी जी, तो आप और ताहिमा पहले जाइए, मैं और विहान पीछे से आते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक है, आओ चलते हैं। चलो। हो सकता है कि बैग के अंदर इसने मणि छुपाई हो, देखती हूँ। इसमें तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ छुपाई है इसने। कहाँ छुपाई होगी इन लोगों ने मणि? ये क्या हो रहा है? मेरे जादू का असर खत्म होता जा रहा है, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। वसुंधरा जी, हाय, कैसे हो तुम लोग? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? एक्चुअली मेरे कोई जान पहचान है, आसपास ही रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। बट सो नाइस टू सी यू बोथ। अच्छा, वो जो मणि तुम लोगों ने ली थी ना, उसके बारे में कुछ पता चला? कोशिश जारी है, हम जल्द ही उस औरत तक पहुंच जाएंगे। आई एम श्योर। अच्छा सुनो, अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़े मदद की तो फोन करना, ठीक है? Of course. Really nice seeing you both. You too. अपना ख्याल रख। बेटा, मुझे तो बहुत चिंता हो रहा है कि झुमरी ने बताया कि मायावनी की मकसद सिर्फ मणि हासिल करना नहीं है, बल्कि उस मणि का जरिया से हमारा परिवार, हमारा वंश पर हमला करना है। मैं जानता हूँ ताहिमा, बच्चे को भी खतरा है। अच्छा, तो यहाँ पर कायरा और विहान आए थे, उसका मतलब मणि गुरुजी के पास है। ना मैं आश्रम के अंदर जा सकती हूँ और ना ही गुरुजी के सामने आ सकती हूँ। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। मैं जानता था तुम जरूर आओगे वीणा, जानता था तुम मणि लेने जरूर आओगे, लेकिन वो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी अब। डॉक्टर कैसी है कायरा? ऑल ओके? मैंने चेक कर लिया है, टेंशन की कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन फिर भी उनका ख्याल रखिएगा। ऑफ कोर्स। मैंने कुछ नई दवाइयां लिख दी है, इसे मंगवा लीजिए। ओके, मैं चलती हूं। थैंक यू सो मच। मिस्टर संदीप वत्सल, अब आपकी दवाइयों को चेंज करने का वक्त आ गया है। आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी दवाइयों को चेंज कर दिया जाए। अब समय आ गया है कि मैं आपको आपका बेटा और बहू वापस लौटा दूं, जिन्हें आप भूल चुके हैं। कायरा और विहान गुरुजी के पास गए, ये वही गुरुजी जिनसे मैंने अपनी पूरी विद्या सीखी, लेकिन इन्होंने मुझे काला जादू करने की इजाजत कभी नहीं दी। शायद इसीलिए ये मुझे अपनी शिष्या भी नहीं मानते। मेरी मणि स्वामी जी के पास है और वो उसकी रक्षा कर रहे हैं, और अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी मणि गुरुजी से वापस हासिल करूं। और ऐसे शुरू होगा वत्सल परिवार के विध्वंस का पहला अध्याय। आप इस आदमी की मां हैं और आपने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे इस आदमी को आपसे दूर करना पड़ा, और आज इस आदमी की जो हालत है वो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं।